हेलो प्यारे बच्चों, डाउट नेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा सातवीं गणित की प्रश्नावली 11.2। तो आइए प्रश्न संख्या एक को पढ़ते हैं। निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, आधार गुणा ऊंचाई। तो आइए एक एक पार्ट को हल करते हैं। पहली आकृति में बच्चों हमें समांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, तो ये बच्चों हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, 28 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। दूसरी आकृति को देखते हैं। दूसरी आकृति में हमारे पास समांतर चतुर्भुज का आधार है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। यहां से हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, बिल्कुल आसान है, आधार गुणा ऊंचाई 5 गुणा 3, 15 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें समांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। यहां से हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई 2.5 गुणा 3.5, ये हमारे पास आएगा बच्चों। गुणा करेंगे हम 25 की 35 से, 875। 0.75 यहां पर एक के बाद यानी दो के बाद क्या लगा देंगे, 0.8, 8.75 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। चौथा भाग करते हैं। इस आकृति में बच्चों हमें आधार दिया हुआ है, आधार पर देखो बच्चों इस आकृति में आकृति को पलटा हुआ है, तो यहां पर हम आधार मानेंगे जिसके ऊपर लंब टिका हुआ है। तो यहां पर लंब टिका हुआ है 5 सेंटीमीटर भुजा के ऊपर, तो इस आकृति के अंदर बच्चों आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई या लंब एक ही बात है, उसकी लंबाई हमें दे रखी 4.8 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। आपने सूत्र को हमेशा याद रखना है कि आधार गुणा ऊंचाई, और इसको लिखना भी है पेपर में, और फिर इसके बाद नीचे हम सॉल्व करेंगे। यहां से बच्चों हमारे पास जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आधार 5, ऊंचाई 4.8, ये आ जाएगा 24.0 वर्ग सेंटीमीटर। ये कह देंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 0.5 के बाद अकेला 0 है तो उसको हम छोड़ देते हैं। पांचवा भाग करते हैं। आधार हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहां से बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई 2 गुणा 4.4, गुणा करेंगे 44 की 2 से 88 आएगा, एक के बाद 0.5 है तो यहां क्या लग जाएगा 0.8, 0.8 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या दो को करते हैं। निम्न में से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बच्चों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहले प्रश्न में हमने किया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहां पर हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 × आधार × ऊंचाई, या ये कहें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसका आधा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए त्रिभुज का आधार है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 × आधार × ऊंचाई। दूसरी आकृति के अंदर त्रिभुज का आधार मानेंगे हम 5,
क्योंकि आधार हुआ जिसके ऊपर लंब टिका हुआ है, लंब है इसके ऊपर, तो आधार हो जाएगा 5, ऊंचाई हो जाएगी 3.2। तीसरी आकृति में आधार होगा 3, ऊंचाई होगी या लंब होगा 4 सेंटीमीटर। चौथी आकृति के अंदर यहां पर आधार लेंगे हम 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र था हमने पीछे इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो यहां से बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार है 4, ऊंचाई है 3, 2 से कट जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल त्रिभुज का हो जाएगा। दूसरा पार्ट करते हैं, त्रिभुज का आधार है 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई में दी हुई है 3.2 सेंटीमीटर। यहां से हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। गुणा करेंगे हम, पहले 2 से भाग देंगे इसको, ये हमारे पास आएगा 1.6, 16 गुणा 5 80, 1 के बाद 10 यानी कि 8 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तीसरा पार्ट करते हैं, आधार दे रखे हमें 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा हमारे पास 6 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई या त्रिभुज पे जो लंब है उसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई और बटे में 2, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारे पास आ जाएगा 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से हम आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हमें सूत्र पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं एक बार दोबारा से, यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये आपने ध्यान में रखना है, फिर आप आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।